एलगोदम के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एडवांटेजेस देख लेते हैं पहले ये गारंटी करता है टू वर्क एक्स इज कंटिन्यूस एंड ए और बी के दरमियान में अगर रूट हो जैसे मैंने अभी आपको शो किया ए बी के दरमियान में रूट है तो ये गारंटी करता है कि वर्क करेगा और नंबर ऑफ आइटेशन आपको पहले पता चल जा जाते जा हैं कि गिवन के लिए नंबर ऑफ कितनी होगी तो तब आप ये इतने जीरो तक तो इस टॉलरेंस तक पहुंच सकते हो वो कैसे है? हमें पता है कि हर मरतबा ये इंटरवल को हाफ कर रहा है तो एन आइटेशन के बाद ये टू पावर एन बी माइनस एवं टू पावर एन ये प्रिसीशन को पहुंच जाएगा ठीक है एरर होगा एन आइट्रेशन के बाद बी माइनस ओवर टू

नेक्स्ट आइटेशन में ये क्या करेगा जो हाफ किया उसका भी हाफ कर देगा अब इंटरवल क्या हुआ फोर्थ फोर्थ uh, जो पोर्शन है फर्स्ट इंटरवल का उसमें एरर है तो यहाँ फोर आ गया अब नेक्स्ट टाइम इसका भी हाफ हो जाएगा तो ये थ्री हो जाएगा नेक्स्ट टाइम इसका भी हाफ हो जाएगा तो ये एर uh, इस तरह आपको आइटेशन से एरर पता चल जा जा जाता है कि इतनी आइटेशन के बाद इतना एरर होगा ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है बाकी मेथड में ये फैसिलिटी नहीं है कि पहले से आप बता दो कि इतने आरटेशन के बाद इतना हयर होगा थर्ड है बाई मेथड प्रोवाइड इनिशियल वैल्यूज अदर मोर फास्ट रूट फाइंडिंग मेथड्स इसका ये आपको यहाँ से डिसएडवांटेज नजर आ गया कि बाई मेथड जो है वो सच फास्ट नहीं है तो ये इसका फायदा एक ये है कि बाई मेथड उन एल्गोरिथम के लिए जो कि रूट के बिल्कुल करीब तेजी से वर्क करते हैं उनके लिए ये एक एज ए इनपुट हो सकती है तो सेक्शन मेथड से आप आउटपुट लें वो आउटपुट जो आपको थोड़ा सा इंटरवल शॉर्ट करके दे दे वो फिर आप एक फास्ट मेथड में पुट कर दें जो जल्दी से आपको रूट फाइंड कर देगी जैसे रूट के अंदर ब्रैकेट कम होती जाती है तो सेक्शन मैथड वहाँ से सफर करने लग जाता है उसकी जो एफिशेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है इनिशियली तो ये बड़ी जल्दी एर के करीब पहुंचता है लेकिन जैसे वो इंटरवल नैरो डाउन होना शुरू हो जाता है तो ये इसकी एफिशिएंसी वो नहीं रहती है। क्या है जैसे मैंने बताया अच्छा, दि, है, तो करना आपके लिए कोई आसान काम नहीं है कि आपने इंटरवल जो है पहले से देखो फंक्शन को प्लॉट करके कि उसमें किस इंटरवल में रूट लाया करता है तो यह हर फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होता ये फंक्शन हमने बड़े सादा लिए थे जिसमें पॉसिबल था अदरवाइज ऐसा नहीं होता थर्ड है आर मल्टीपल इन इंटरवल विल नॉट एप्लीकेबल तो एक और भी तो पॉसिबिलिटी है जिसको हमने अभी कंसीडर नहीं किया मैंने आपको नहीं बताया से से हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह होता और इंटरवल आप ये देते दे ये इंटरवल और ये अब इस इंटरवल के अंदर दो रूट्स हैं और बायसेक्शन मेथड वर्क नहीं करेगा क्योंकि तो उसके जो बड़ी कंडीशन लगी हुई है वो वर्क करने नहीं देगी उसको उठा के बाहर फेंक देगी जबकि अगर मैं ये दू और ये दू तो फिर तो वर्क करेगा लेकिन इस इंटरवल के लिए वर्क नहीं करेगा इस क्योंकि okay, ये मल्टीपल रूट्स के लिए नहीं वर्क करता नॉट एप्लीकेबल